फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नैक लवर। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक लवर में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है स्नैक रिलीजिंग के लिए आए हैं और हमारे पास कुल 5 सांप हैं। और दोस्तों, खास बात यह है कि आज हमारे पास भारत के सबसे जहरीले तीनों सांप कोबरा, कॉमन करेट और रसल वाइपर तीनों सांप हैं, जो कि बहुत दुर्लभ दृश्य होता है एक साथ तीनों सांप को देखना। काफ़ी किस्मत वाली बात होती है, क्योंकि ये तीनों जहरीले सांप एक साथ बहुत कम मिलते हैं। तो हम खुशकिस्मत हैं कि कल हमें ये तीनों सांप देखने को मिले। तो चलिए, हम तीनों को, सारे स्नेक को निकालते हैं और एक एक करके साथियों सबको रिलीज करेंगे। तो दोस्तों, ये है कॉमन सैंड बोआ और ये इसी के बगल में जस्ट कॉमन करैत, ये रसल वाइपर और ये हमारा स्पेक्टिकल कोबरा। दो कोबरा हैं दोस्तों, एक छोटा साइज का है और एक बड़े वाला कोबरा है। और ये तो यही है दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ नज़ारा, जहां भारत के सबसे जहरीले तीन सांप हैं और ये हमारा रसल वाइपर और रसल बोआ। आप देख सकते हैं दोस्तों, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन फिर भी जो है रसल वाइपर को लोग सैंड बोआ या अजगर समझ लेते हैं और पकड़ने जाते हैं, जिस कारण बाइट होती है और लोग मारे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबको ला चुके हैं। देख सकते हैं ये कोबरा सांप, इसके मुंह से अभी भी झाग निकल रहा है साथियों। तो चलिए, अब हम सबको रिलीज करते हैं। ये साथियों, सबसे जहरीला सांप कॉमन करैत। चलिए, अब सबको रिलीज किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस छोटे वाले कोबरा को निकालते हैं। देख सकते हैं, हम लोग इसे निकालते हैं और ये तन का खड़ा हो गया है किस तरह से। तो इसे हम लोग परेशान नहीं करेंगे, जाने देते हैं जिधर भी यह जाना चाहे, हम इसे उधर जाने देंगे। देख सकते हैं ये झाड़ियों की ओर जा रहा है, अपने अनुसार इसने जगह चुन ली है। तो काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ पर दोस्तों। चलिए, अब हम अपने बड़े वाले कोबरा को भी निकालते हैं दोस्तों, जिसे हम लोगों ने लखीसराय से रेस्क्यू किया था। तो क्या है ये, देख सकते हैं आप, ये खुद से निकल रहा है। हम थोड़ा सा इसे पानी पिला देंगे दोस्तों, गर्मियों का समय है और ऐसे में क्या है, देख सकते हैं इसका, इसके नाक से अभी भी बुलबुला आ रहा है। पता नहीं इसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, देख सकते हैं हम जैसे पानी डाल रहे हैं, ये थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा है, अपनी जीभ निकाल रहा है। कोशिश करते हैं इसे थोड़ा पानी पिलाने की। तो देख सकते हैं यह वार्निंग दे रहा है, इसका वार्निंग स्टाइल है दोस्तों। चलिए, हम लोगों ने कोबरा निकाल दिया है, अब हम लोग दोस्तों रसल वाइपर को भी निकालते हैं। ये देख सकते हैं कोबरा प्लस रसल वाइपर दोनों एक साथ, और यहीं पर जो है ये है कॉमन करैत दोस्तों। ये तीनों सांप एक साथ, बहुत दुर्लभ नज़ारा है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि तीनों जहरीले सांप एक साथ आ जाए। तो देख सकते हैं आप, ये कॉमन करैत। चलिए, हमने इसे भी छोड़ दिया है दोस्तों, और अब क्या है, रसल वाइपर भी जा चुका है और अब हम चाहेंगे कि यह कोबरा स्नेक भी जंगलों में चला जाए। तो चलिए, इसे हम लोग, ये अपने से खुद से जाएगा नहीं दोस्तों, इसको यहीं पर जो है, देख सकते हैं आप, यहाँ इसका अभी भी थोड़ा सा दर्द है और इस वजह से यहाँ छूने पर जो है थोड़ी सी हल्की सूजन है दोस्तों, लेकिन अब यह काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है इसके बॉडी में। तो
तो हम चाहेंगे कि अभी खुद से चला जाए, तो चलिए इसे हम लोग झाड़ियों की तरफ कर देते हैं। यह दोस्तों इसी कारण यह सांप अक्सर मारा जाता है, यह भागने से ज़्यादा खड़ा होकर वाच करने लग जाता है, जिस कारण से फिर लोगों को इसे मारना आसान हो जाता है। देख सकते हैं अब यह जो है जंगलों में जा रहा है और काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों यहाँ इसके लिए। और आइए अब हम अपने इस रसल बुआ को भी रिलीज़ करते हैं। तो इसे हम लोग थोड़ी दूर रिलीज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों ने जहरीले सांपों को रिलीज़ किया है। और ये जो रसल बुआ है या वाटेकर्स बुआ, ये अभी बच्चों को जन्म देने वाली है। ये एक ऐसा सांप है दोस्तों जो कि बच्चों को ही जन्म देता है। तो हम इसे भी निकाल चुके हैं और चाहेंगे ये अभी चली जाए अच्छे जगह। ये है साथियों वाइटकर्स बुआ, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जगह हम लोग इसे ला चुके हैं। और यहाँ क्या है, नेचर है, और इस नेचर में जो है यह सांप अच्छे से रहेगा। आप देख सकते हैं इसकी एक्टिविटी किस तरह की होती है, एक झटके में जो है स्प्रिंग के तरह एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से एक्ट करता है। देखो अपने बॉडी को चिपटा कर लेता है और फिर एक झटके में स्प्रिंग के जैसा हो जाता है। तो इसे हम लोग चलिए झाड़ियों में रिलीज कर देते हैं, जिससे कि इसे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो फाइनली दोस्तों हमने सभी स्नेक्स को लाकर नेचर में रिलीज कर दिया। उम्मीद है आपको हमारा रेस्क्यू एंड रिलीजिंग वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक नंबर निर्मल कुमार। जय हिंद, जय भारत।